आजाद नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर। बीते दिनों कैंट थाना क्षेत्र में घर में अकेली महिला के साथ डकैती की घटना को अंजाम देने वाले चार शातिर डकैतों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डकैतों के पास से लूटे हुए सोने चांदी के जेवरात और नकदी तथा असलाह और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। कैंट थाना क्षेत्र के नकटिया निवासी महिला शहनाज बान घर में जब वो अकेली थी तभी उनके घर में चार डकैतों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया था और डकैतों की तलाश में जुट गई थी। वहीं बीती रात पुलिस सूचना के आधार पर कैंट थाना क्षेत्र के सेक्टर रोड खीरिया निजावत खां तिराहा के पास पहुंची तो पुलिस ने देखा कि दो बदमाश वहां पर खड़े हुए थे और दो बदमाश मोटरसाइकिल से पॉपुलर की तरफ से आ रहे थे। वहीं पुलिस पास में ही आम के पेड़ों के पास छुप गई और जैसे ही पुलिस ने बदमाशों को ललकारा तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार बदमाशों के पास से सोने चांदी के जेवरात, तमंचे, कारतूस और 31,600 रुपए की नकदी और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस ने बदमाशों को जेल भेज दिया है। दिनांक 27 और 28 की रात्रि को तकरीबन सुबह 3 बजे इस प्रकार की घटना सामने आई थी जिसमें टोटल 5 युवक, जिसमें से 3 युवक जिस घर में ये घटना हुई थी उसके पास वाले प्लॉट से बालकनी के माध्यम से जीने से उतरकर अंदर उन्होंने प्रवेश किया था और दो व्यक्ति बाहर से खड़े होकर, घर के बाहर खड़े होकर उनको फ़ोन पर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि किस प्रकार से घटना को पारित करना है। तो टोटल 5 अभियुक्त इसमें शामिल थे। वहाँ पर लगे CCTV जो कैमरे थे घर के बाहर नगर निगम के, उनके द्वारा अभियुक्तों को आइडेंटिफाई कर लिया गया था और आज दिनांक 30 जुलाई 2024 को पुलिस को वाया मुखबिर ये सूचना प्राप्त हुई कि ठीरिया निजावत खान चौराहे पर ये जो चारों व्यक्ति हैं ये आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। तो पुलिस द्वारा जब वहाँ पर जाकर इसके संबंध में जांच पड़ताल की गई तो वहाँ पर एक मोटरसाइकिल पर पहले से उपस्थित दो व्यक्तियों द्वारा भागने की कोशिश की गई, भागते हुए पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की गई। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षात्मक फायरिंग में दो अभियुक्तों जिनका नाम क्रमशः राम कश्यप एवं आकाश उर्फ चाइना है, इन दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है। इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया था और पुलिस द्वारा घेराबंदी करके अन्य दो अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कुल मिलाकर 4 अभियुक्तों की इसमें अभी तक गिरफ्तारी हो गई और 5वां अभियुक्त जिसकी पहचान पुलिस ने कर ली है CCTV कैमरों के आधार पर, उनकी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित कर ली जाएगी। ये जो सरसी है उस मामी क्या का था, क्या इस तरह से इसमें पूरा प्लान किया था, कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए। देखिए, इन 5 अभियुक्तों में एक अभियुक्त है अर्श शेफई, ये उसी कॉलोनी का रहने वाला व्यक्ति है और जो पीड़िता है उसके घर उसका अक्सर आना जाना रहता था। तो अर्श शेफई के द्वारा ही जो बाकी 4 अभियुक्त हैं उनको अंदर का नक्शा समझाया गया था कि किस प्रकार से तुम्हें प्रवेश करना है और किस प्रकार से घटना को अंजाम देना है। कितना माल बरामद हुआ है लोगों के पास? देखिए, अभी तक कुल मिलाकर 31,600 रुपये कैश, सोने और चांदी के जेवर, एक एयर पिस्टल, एक चोरी की मोटरसाइकिल जो पल्सर है वो बरामद हुई काले रंग की, और 2 अदद तमंचे और 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखे 315 बोर के, ये टोटल इनसे बरामद हुई। देखिए, इनमें से टोटल 5 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त ऐसे हैं जिनका POP वगैरह का काम है, जो सीजनल काम है, दिहाड़ी का काम है, तो इनके द्वारा फाइनेंशियल क्रंच एक कारण हो सकता है इनके द्वारा घटना को कारित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।